बिल्कुल सही कहा। देखिए अभी शुरुआती रुझानों में 21 में 11-10 हो गया है, बहुत ही क्लोज हो गया, 11-10 बिल्कुल शुरुआती रुझानों में। डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्रसून बिल्कुल शुरुआती रुझान है अभी, आज वैसे भी कोरोना की वजह से जो काउंटिंग होगी वो काफी डिले चलेगी, लंबा वक्त लगेगा, लेकिन पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर दिख रही है। ये कांटे की टक्कर आपको लगता है दिन भर यही चलेगा, काफी क्लोज रहेगा मामला? जी, मैं पश्चिम बंगाल की महान जनता और सारे देश की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने शुरू से कहा कि यह लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का महापर्व था यह चुनाव, क्योंकि इतनी बड़ी भारी संख्या में मतदान हुआ, लेकिन पहली बार निर्भीक होकर के, निडर होकर के मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, क्योंकि इसके पहले जो मतों का प्रतिशत ज्यादा होता था लेकिन मतदाताओं में एक भय का वातावरण था, इस बार काफी हद तक वो नहीं रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात, जो ये संकुचित राजनीति है, जो कि अपीजमेंट की राजनीति है, जो तुष्टिकरण की राजनीति है, ये समूचे देश से उखाड़ करके फेंकने का यह एक उद्यम था यह चुनाव। और तीसरी बात, जो भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को जो एक संस्थागत रूप देने के खिलाफ जो हमारा अभियान था उसको अंतिम परिणति तक ले जाएगा यह चुनाव, ऐसा हमारा मानना है। देखिए मैं पोस्टल बैलेट वगैरह में नहीं जाना चाहता। माफ कीजिएगा डॉक्टर प्रसून, एक मिनट आपको रोक रहा हूं, मेरे को अमित सिंह मेरे साथी बुला रहे हैं वहां पर। अमित क्या हुआ? देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए दिलीप घोष जो है इस वक्त मॉर्निंग वॉक से यहाँ पर पहुंचे हैं, हम इनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। दिलीप घोष यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करके यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे साथ यहाँ पर सीधे अब दिलीप घोष जुड़ रहे हैं। सर शुरुआती रुझान बहुत कांटे की टक्कर, 11-10 टीएमसी, 11 बीजेपी, 10 बहुत 15-13 हो गया अमित, 15-13 हो गया, रुझान से नहीं होने वाला। 12 बजे के बाद देखिएगा जो हम चाह रहे हैं 200 की तरफ, और ट्रेंड उधर ही जाएगा और रिजल्ट भी ऐसे ही होगा। 15-13 हो गया सर अब रुझान में, ठीक है उसमें को, ये तो अभी वो जो बैलेट पोस्टल बैलेट होता है ओरिजिनल पोलिंग अभी तो काउंटिंग शुरू नहीं हुआ है। अब बराबर भाजपा ही जीतेगी, भाजपा की तरफ जाएगी। आज इस बार जो काउंटिंग होगी सर थोड़ा देर से इसके नतीजे आएंगे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। हाँ शाम हो जाएगा, आते आते शाम के बाद भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन 12 बजे के बाद कुछ पता चलेगा ट्रेंड। उम्मीदें क्या है सर? उम्मीद नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जीतेंगे हम। और मुख्यमंत्री होंगे आप सर? अभी तो जीतने दीजिए फिर देखेंगे। दावा पेश करेंगे ना? दावा नहीं पेश करते हैं, करके दिखाते हैं मतलब मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री तो पार्टी तय करेगा। तो ये तो दिलीप घोष देख सकते हैं कितने कॉन्फिडेंट हैं, चुनाव के नतीजे अभी आने शुरू हुए हैं, रुझान आने शुरू हुए हैं। और देखिए वो मॉर्निंग वॉक करके, जैसे रोजाना ये मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक करके वो अपने घर पे अभी दाखिल हुए हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ यहाँ के अपार्टमेंट का। आमतौर पर किशोर यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर होते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, एक भी शख्स आपको यहाँ पर पार्टी का कार्यकर्ता नहीं दिखेगा, वॉचमैन यहाँ पर दिखेगा। और देखिए किस तरीके से दिलीप घोष जो है अपने शॉर्ट्स में ये मॉर्निंग वॉक करके पहुँचे हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ, वो अंदर जाते हुए लिफ्ट से अब वो अंदर जाएंगे। जो वॉचमैन है वो हमें भी मना कर रहे हैं कि अब ना जाएं क्योंकि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। और आमतौर पर सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से जो सवाल था कि मैंने जब दिलीप घोष से पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांटे की टक्कर हो रही है, तो उन्होंने बोला अब देखते हैं। और जब मैंने बोला कि मुख्यमंत्री तो आप ही होंगे, तो बोलेंगे कि करके दिखाएंगे देखेंगे, तो जाहिर तौर पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दिलीप घोष यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करके पहुँचे हैं। और थोड़ी देर बाद इनसे फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए हैं, कांटे की टक्कर है, थोड़ी देर बाद हम इनसे ज़रूर फिर से बात करने की कोशिश करेंगे जो नतीजे आएंगे। किशोर जी हाँ, इस बीच